दोस्त, इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काफ़ी वायरल चल रहा है। इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगा, जिसका नाम है VN एप्लीकेशन। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको ओपन कर लेना होगा। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके लगभग 35 के आसपास आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना होगा। सही सुना दोस्त, आपको 35 के आसपास फोटो सिलेक्शन कर लेना होगा। मैं जल्दी से वो फोटो सिलेक्शन कर लेता हूँ। सारी फोटो सिलेक्शन कर लेने के बाद आपको राइट वाले बटन पर क्लिक कर देना। और दोस्तों, हमको एक म्यूजिक ऐड करना होगा, जिस म्यूजिक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, उसको आप रिजोल्यूशन 9:16 रख देना, ताकि ये फुल स्क्रीन में हो जाए। म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक वाले बटन पर जाना होगा और वो म्यूजिक ऐड कर लेना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमको म्यूजिक के साथ साथ हमको बीट मार्क ऐड कर लेना होगा, जहाँ पर बास आते हैं ना, धूप 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 करके। इस जगह पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके बीट लगा देना होगा। जल्दी से बीट लगा देता हूँ, आपको भी इस तरह बीट लगा लेना होगा अपनी म्यूजिक में। बीट लगा लेने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना होगा और उस लेयर को थोड़ी जूम कर देना होगा, ताकि हमको फोटो में इफेक्ट लगाने में आसानी हो। उसके बाद दोस्तों, फिर से फास्ट में चले आना, हमको दो टाइप का इफेक्ट लगाना होगा। फास्ट में चले आने के बाद दोस्तों, आपको फोटो को बीट के हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना होगा। मैं जल्दी से सारी की सारी फ़ोटो बीट के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। उसका आप जितनी दूरी से आपका बीट स्टार्ट होता है, उतनी दूरी से आपको बीट के साथ साथ फ़ोटो को भी मैचिंग कर लेना होगा। इस तरह दोस्तों, आपको फ़ोटो को सारी की सारी फ़ोटो को मैचिंग कर लेना होगा। मैंने दोस्तों सारी की सारी फ़ोटो बीट के साथ मैचिंग कर लिया। अब आप उस लेयर को थोड़ा बड़ा करके उसको जूम कर देना और हमको एक इफेक्ट लगाना होगा। बीट के साथ साथ और एक बार म्यूजिक को सुन लेना, ताकि अपना फोटो जब मैचिंग हो रहा है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों, हमको एक इफेक्ट लगाना होगा। फास्ट से नंबर 7 फ़ोटो तक हमको एक इफेक्ट, और नंबर 7 से बाकी जितनी फ़ोटो उसमें और एक इफेक्ट हम ऐड करेंगे। पहले आपको नंबर 8 वाली फ़ोटो को चले आना और इफेक्ट वाली बटन पर क्लिक करके जिटर लेफ्ट नाम से एक इफेक्ट मिल जा रहा है, उसको आपको लगा लेना होगा और पूरी फ़ोटो में उसको अप्लाई कर देना होगा। और अप्लाई टू ऑल वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों, फास्ट से नंबर 7 वाली फ़ोटो में हम ये जो व्हाइट ब्लिंक वाली इफेक्ट, उसको ऐड करेंगे। मैं जल्दी से 7 नंबर फोटो तक ये व्हाइट ब्लिंक वाली इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। आपको भी दोस्त इस तरह का ब्लिंक इफेक्ट ऐड करना होगा। उसके बाद दोस्तों, टेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करके हमने जो प्रीव्यू में देखा था, एक हॉलीडे वाला लोगो टाइप से लगाएंगे टाइटल। उसके लिए आपको टेक्स्ट वाले सेक्शन को क्लिक करके टाइटल वाले ऑप्शन पर जाना होगा और ये हॉलीडे वाले PNG टाइप से इसको लगा देना होगा। उसको होल्ड करके रखना और लास्ट तक उसको खींच लेना होगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास कोई चैनल की लोगो है, PNG है, तो उसको भी ऐड कर देना होगा। अगर नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना। मेरे पास चैनल का लोगो है, तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। अब दोस्तों, हमारा स्टेटस ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया, आपको उसको एक्सपोर्ट करना होगा। आपको एक्सपोर्ट वाली बटन पर जो दिखाई दे रहा है राइट साइड टॉप कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करके वीडियो को सिंपल एक्सपोर्ट कर लेना होगा। हाँ दोस्त, ये कितना सिंपल एक स्टेटस बनाने के लिए, ट्रेंडिंग स्टेटस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना। चैनल पे नया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना। नया यूट्यूबर हूँ यार, थोड़े से सपोर्ट दिखाना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।